स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेहतमंद होके में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। और काफ़ी देखा गया डेविड कॉपरफील्ड से तीन चार ऑब्जेक्टिव हमारे बिहार बोर्ड में हर हमेशा 50 नंबर इंग्लिश में पूछे जाते हैं, चाहे वह साइंस वाले में हो चाहे वह आर्ट्स वाले में हो। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आज का सेशन, और इसमें आज 40 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मतलब पूरा 40 है और भी है पीछे क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी करवाने वाला हूँ। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं डेविड कॉपरफील्ड। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, डेविड कॉपरफील्ड इज ए फेमस नोवेल विच हैज़ बीन रिटेन बाई, यानी डेविड कॉपरफील्ड एक बहुत फेमस उपन्यास है जो कि लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द क्रिस्टोफर मार्लो, W.B. यीट्स, चार्ल्स डिकेंस, वाल्टर डेलामेयर। तो जो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स डिकेंस, यानी फर्स्ट का बी, चार्ल्स डिकेंस। और दूसरा क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, और आप लोग लगाते चलेंगे और लास्ट में इसका PDF भी मैं दे दूंगा। द टाइटल ऑफ द नोवेल, यानी जो नोवेल का टाइटल है डेविड कॉपरफील्ड, इज बेस्ड ऑन डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस, किस पर आधारित है? डेविड कॉपरफील्ड क्या चीज़ पर आधारित है? लाइफ स्टोरी, डेथ स्टोरी, लव स्टोरी, हेट स्टोरी। तो इसमें जो यह जो नोवेल आधारित है वह लाइफ स्टोरी, यानी दो का सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तीन नंबर की ओर बात करते हैं, वार्किस इज ए डैश, थोड़ा वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं है, वार्किस इज अ डैश। तो वार्किस क्या था पूरा उपन्यास में? तो वार्किस कोच ड्राइवर था। तो तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कोच ड्राइवर। चार नंबर क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं, तो चार नंबर क्वेश्चन में कहता है व्हेन पीगोटी वाज डिसमिस्ड, जब पीगोटी को नौकरी से निकाल दिया गया तब वह किससे शादी की थी, यानी सी मैरिड, वो किससे की थी? तो पीगोटी को जब निकाल दिया गया था नौकरी से तो शादी की थी वो वार्किस था, यानी चार का राइट आंसर हो जाएगा नंबर फोर का सी, सी इज द राइट आंसर, यानी वार्किस। क्वेश्चन नंबर पाँच की बात करें, तो हु वाज लाइक ए गुड मदर, सेकेंड मदर फॉर डेविड, यानी डेविड के लिए गॉड मदर कौन थी और सेकेंड मदर जो कि उनका बचपन से देख रेख किया करती थी, तो उनका नाम था पीगोटी, पांच का सी। पीगोटी सर्वेंट भी थी उनकी और उन्हीं को सेकेंड मदर कहा गया, गॉड मदर कहा गया। तो आप कंफ्यूज इस क्वेश्चन में ना होइएगा एग्जाम में जब आएंगे तो। और इस साल आपको यह लास्ट बार 50 नंबर, और इसके बाद 50 नंबर इंग्लिश हटा दी गई है हमारे बिहार बोर्ड से। तो अगले क्वेश्चन की ओर बात करते, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया इमली वॉज द नाइस ऑफ, इमलिस जो थी, इमली इज द नेम, इंटरेस्टिंग है इमली, तो इमली, इमली मुंह में पानी लाए, नॉट इमली, इमली वॉज द नाइस ऑफ, इमली किसकी भतीजी थी? तो इमली जो थी वो पीगोटी की भतीजी थी, और पीगोटी का एक भतीजा भी था, उसका नाम क्या था नीचे आप लोग कमेंट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है वेयर वॉज डेविड सेंड विथ पीगोटी, पीगोटी को कहाँ भेज दिया गया था, यानी डेविड, डेविड के साथ पीगोटी को, सॉरी, पीगोटी के साथ डेविड को कहाँ भेज दिया गया? तो डेविड को भेज दिया गया था यारमाउथ में, यानी ओल्ड हाउस में। तो सेवन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर एट की ओर बात करें, हु वाज द नेफ्यू ऑफ पीगोटी, पीगोटी का नेफ्यू मिस भतीजा कौन था? अभी भी क्वेश्चन मैंने बोला था कॉमेंट करने के, लौट आ गया है। तो इसका जो भतीजा का नाम था वो था हाम, यानी भतीजा हाम, और भतीजी यानी नेफ्यू इज द हाम और नाइस इमली। तो एट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सी। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें, डेविड वॉज बॉर्न डैश मंथ आफ्टर हिज फादर्स डेथ, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेविड कितने महीने बाद जन्म लिया था अपने पिता के मृत्यु के बाद, यानी पिता के मृत्यु के बाद कितने महीने बाद जन्म लिया था? तो 6 मंथ, यानी नाइन का आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर टेन की ओर बात करते, हु एक्सेप्टेड अ गर्ल चाइल्ड फॉर हर नेफ्यू डेविड्स फादर, यानी क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, हु एक्सेप्टेड, किसने मतलब एक लड़की चाहती थी, यानी गर्ल चाइल्ड चाहती थी फॉर अपने नेफ्यू डेविड्स फादर, यानी पिता की, उनकी चाची, पिता यानी डेविड्स फादर पापा से। तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वो चाहती थी बिट्सी, बिट्सी जो कि उनकी पापा की आंट थी, यानी पापा की चाची थी, फादर्स आंट, डेविड फादर्स आंट, इट्स नेम वॉज बिट्सी। तो 10 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते, हु ऑलवेज टुक केयर ऑफ या और इस कंसल्टेड डेविड, यानी हर हमेशा डेविड का ध्यान कौन रखता था? तो डेविड का हर हमेशा जो ध्यान रखता था वो पीगोटी रखती थी, बिकॉज पीगोटी इज द सेकेंड मदर, गॉड मदर एंड हिज सर्वेंट, गुड सर्वेंट पीगोटी। तो 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो 12 में क्वेश्चन कहता है व्हेन डिड डेविड वाज फोर्स टू वर्क एट 10 ईयर्स ओल्ड,
जब डेविड 10 साल का था तो उसे काम के लिए प्रेरित किया गया। ही बिगेन टू वर्क एट दैट प्लेस वेर ही मीट, जहाँ उस जगह पे उनको मुलाकात हुई, उनका नाम क्या था? तो उसका नाम था मिकावर। 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, उसका नाम क्या था? मिकावर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है, हु आर डेविड्स फ्रेंड्स, कौन डेविड के दोस्त थे? हु लविंग बॉयज फॉर डेविड इन द स्कूल, यानी स्कूल पीरियड, व्हेन डेविड गो टू स्कूल देयर मीट अ फ्रेंड, यानी वहाँ पे दो दोस्त हुए थे, उन दोनों दोस्त का नाम क्या था? जो दोनों दोस्त का जो नाम था वो था, फर्स्ट का जेम्स और दूसरा का टॉमी। क्या नाम था? जेम्स एंड टॉमी। तो टॉम एंड जेरी से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें हम लोग, 14 में कहता, हु फेल इन लव विद डेविड एट द वेरी फर्स्ट साइट, यानी पहले ही नज़र में किसको डेविड से प्यार हो गया था? तो डेविड को फर्स्ट साइट में लव जो हुआ था वो डोरा से हुआ था। किससे हुआ था? डोरा से। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते, हु वॉज द डॉटर ऑफ मिस्टर बिगफील्ड, मिस्टर बिगफील्ड की बेटी का क्या नाम था? तो डॉटर कौन थी उनकी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिस्टर बिगफील्ड डॉटर? तो उनकी बेटी का नाम जो था एग्नेस था। 15 का सही आंसर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, हु फोर्स्ड मिस्टर बिगफील्ड टू मेक हिम हिज पार्टनर एंड यूज बिट्सीज मनी इन बिजनेस, मतलब कहता है किसने डेविड सॉरी बिगफील्ड को फोर्स किया कि मेरे साथ काम करो और मेरा पार्टनर बन जाओ, और बिट्सी की मनी में, बिट्सी का बिजनेस, बिट्सीज मनी इन बिजनेस, आप अपने बिजनेस में बिट्सी के पैसा को यूज करो। तो यह जो दुष्ट था इस पूरे उपन्यास में, उसका नाम है उड़िया हिप, यानी जैसे ही कोई गंदा काम आए उड़िया हिप ही करता था, और दूसरा था गंदा काम करने वाला डेविड का सौतेला बाप जिसका नाम मदर स्टोन रहता है। एक बार मैं, अगर आप लोग कमेंट करें तो मैं यह वीडियो बना दूंगा कि कौन इसमें, मतलब कौन किससे रिलेटेड है नहीं है, या इसका समरी या स्केच कुछ भी बोले, हम इसका वीडियो मैं बना दूंगा। फिलहाल ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 में कहता है, वेन मिस्टर स्पेनलॉ डाइड, जब स्पेनलॉ मर जाते हैं, डोरा वाज मैरिज, डोरा किससे शादी कर लेती है? भाई शादी इसमें एक ही से होता है, डेविड से होता है। तो डोरा फर्स्ट साइड में डोरा को प्यार हो गया था डेविड से, आफ्टर ऑल ही मैरिड विद द डोरा और डेविड। तो 17 का सही आंसर बी हो जाएगा। और एक बात याद रखना, डोरा के पिताजी का नाम मिस्टर स्पिन लॉ था। आगे क्वेश्चन 18 की बात करते हैं, मिस्टर मिकावर वाज सेंट टू जेल बिकॉज, मिकावर जो था जब वह काम करने 10 साल में गया था, जहाँ उसका एक दोस्त बना था मिकावर, जो मिकावर जो था, तो वहाँ पे मिकावर को जेल भेज दिया था, क्यों? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा सी, ही कुड नॉट रिपे हिज लोन, ही कुड नॉट रिपे हिज लोन, मतलब वो अपने कर्ज को नहीं दे पाया था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, हु डिस्क्लोज द सीक्रेट ऑफ उड़िया हिप, उड़िया हिप का सारा राज खोल दिया था, जो कि इस नोवेल का पूरा विलन है। हीरो तो डेविड था, हीरोइन तीन चार थी। तो हु डिस्क्लोज द सीक्रेट ऑफ उड़िया हिप, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा था डी, मिकावर। मिकावर फिर जेल में चला जाता है, तो जेल से छूटने के बाद वो बाद में क्लर्क बन जाता है उड़िया हिप का, यानी उड़िया हिप स्पेनलॉ का क्लर्क। एक मिनट, हु डिस्क्लोज द सीक्रेट उड़िया हिप, तो इसका राइट आंसर 19 का डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, हुज वाइफ कैरीज अ चाइल्ड, हुज वाइफ कैरीज अ चाइल्ड एंड डज नॉट हेल्प मच इन वर्क, किसकी पत्नी जो थी हर हमेशा बच्चा लेके चलती थी और उसके पति के काम में मदद नहीं करती थी? तो था मीकावर की पत्नी, क्योंकि मीकावर शराबी था तो खूब पीता था। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, वेयर डिड बिट्सी लीव, बिट्सी कहाँ रहती थी? बिट्सी याद रखना, इसमें कोई कॉमन बात नहीं है, बिट्सी जो रहती थी वो डवर में रहती थी। इसका 21 का सही आंसर ए हो जाएगा। 22 नंबर, बिट्सी वाज अगेंस्ट हर डैश इवन आफ्टर हर मैरिज, वो अपने शादी के बाद किसके खिलाफ रहती थी? कोई शक वाली बात नहीं, हर एक नारी अपने शादी के बाद पति के खिलाफ रहती है। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें हम लोग, हु स्पेंट ऑल मनी एंड डिड ए लॉट फॉर मेकिंग डेविड ए सक्सेसफुल पर्सन, किसने सारा अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया डेविड को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने में? तो उसका नाम था, उसकी पापा की चाची कौन थी बताओ, कमेंट करो जरा, बिटसी। तो बिटसी कहाँ है? हाँ, राइट आंसर 23 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं हम लोग, हु प्रूव्ड हर ट्रू लव, किसने अपना ट्रू लव को प्रूव कर दिया व्हेन एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय? तो डोरा, डोरा पहली पत्नी रहती है, डोरा शादी होते ही 1 साल बाद मर जाती है, और उसके बाद डोरा
शादी के मरने के समय में यह बात कह के जाती है, मेरे मरने के बाद आप शादी कर लीजिएगा। इसका मतलब यह दुनिया की बहुत ही अच्छी पत्नी थी जो मरते मरते कह तो गई कि हाँ शादी दोबारा कर लीजिएगा आप दूसरे से। अगर 25 नंबर क्वेश्चन है, वेन डेविड न्यू डेट हिज ग्रेट आंट स्पेंट ऑल मनी ही डिसाइडेड टू। डेविड जब बड़ा हुआ और जान समझ गया कि मेरी पापा की चाची सारा पैसा मुझ पर बर्बाद किया, तो उसने क्या डिसाइड किया? तो उसने यह डिसाइड किया, यर्न एंड हेल्पर, पैसे कमाओ और अपनी पापा की चाची को यानी बिट्सी की मदद करो। यानी 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 26 नंबर कहते हैं, वेन डेविड वेंट टू मिस्टर स्पेनलॉ हाउस, जब डेविड को स्पेनलॉ हाउस भेजा गया, ही मीट, तो स्पेनलॉ की बेटी डोरा थी तो वहाँ डोरा से मिला था। तो 25 का सही आंसर, सॉरी 26 का राइट आंसर ए। 27 क्यों, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। हु बिकेम वेरी क्लोज टू डेविड वेन ही मीन टू मिस्टर बिगफील्ड हाउस। तो बिगफील्ड हाउस में जब डेविड मिला था तो एग्नेस से क्लोज हो गया था, तो क्लोज हो गया था, तो 26 का हो गया। तो 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा आप बी हो जाएगा। 28 की बात करें, हु ऑलवेज फोर्स्ड एग्नेस टू लव एंड मैरी हिम, कौन एग्नेस को बार बार फोर्स्ड करता था कि मुझसे प्यार करो और मुझसे शादी करो? तो दुष्ट आत्मा इस पूरा नोवेल में कि उड़िया ही। तो सही आंसर 28 का सी हो जाएगा, और बार बार कहता था, कलर्क था उसका, उसकी बेटी से ही प्यार करता था, हद है इंसान। 29, हु फोर्स्ड डेविड टू वर्क एंड लीव द स्कूल, हु फोर्स्ड डेविड टू वर्क, कौन डेविड को काम करवाना चाहता था और स्कूल छोड़ा दिया था? तो उसका सौतेला बाप, जब उसकी माँ मर गई थी तब। तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मदर स्टोन। 30, वेन उड़िया हिप न्यू डैट, जब उड़िया हिप जाना कि डेविड फेल इन लव विद डोरा, जब जाना कि डेविड फॉल इन विद डेविड अब डोरा से प्यार करने लगा है, तो क्या किया था डेविड? तो डेविड जो था लिखता, टोल्ड हर फादर अबाउट इट, यानी ही टोल्ड हर फादर, 30 का सही आंसर ए हो जाएगा, वो उसके जाके पिता से बता देता और बेचारा डेविड को चैन से जीने नहीं देता था। बढ़िया हुई, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग एंड क्रिकल वेयर डैश ऑफ डेविड्स स्कूल, उनके डेविड स्कूल में कौन रहते, मतलब क्रिकल कौन थे, उनके डेविड स्कूल के क्या थे वो? तो प्रिंसिपल, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। याद रखना बी का जो मतलब है प्रिंसिपल, एल ए जहाँ पे होता है उसका मतलब होता है सिद्धांत, और प्रिंसिपल मतलब प्रधान अध्यापक। तो 31 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, एग्नेस बिकेम द लीगल एडवाइजर ऑफ, बाद में चल के एग्नेस किसकी लीगल एडवाइजर बन जाती है? तो बिट्सी की बन जाती है। 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 33 का, हु बिकेम द फर्स्ट वाइफ ऑफ डेविड, हु बिकेम द फर्स्ट वाइफ ऑफ डेविड, तो डेविड की पहली पत्नी का नाम डोरा रहता है और दूसरी पत्नी का नाम एग्नेस रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाइफ पूछता है तो डोरा। आगे कहते हैं 34 में, डेविड वॉज अ डैश चाइल्ड, यह क्वेश्चन शायद 2018 में पूछा गया था। डेविड वॉज द डैश चाइल्ड, तो डेविड जो था पथमोवस चाइल्ड था। पथमोवस चाइल्ड उसको कहते हैं जो बच्चा अपने पिता का मुंह ना देखे, यानी जिसके पिता जन्म से पहले मर जाते हैं। तो 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और मेरे चैनल पर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। और प्लीज़ आपको जो भी वीडियो चाहिए उसका एक सिर्फ एक कमेंट कर देनी चाहिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और चैनल को कैसे भी हो लाल बटन को बस दबा दें, और कुछ नहीं चाहिए। और एक अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ठोक दीजिए, लाइक का बटन एक ही बार ठोके, दो बार से डिसलाइक हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर ले, मिकावर वाज डैश पर्सन, मिकावर वाज डैश पर्सन, तो मिकावर जो था फनी एंड चीयरफुल पर्सन था, जो भी कहो दारू शराब पीता था लेकिन फनी पर्सन था, मजाक किया था। और देखिए अगला क्वेश्चन आ ही गया 36 में, एग्नेस वाज डेविड्स डैश वाइफ, एग्नेस जो थी डेविड की कौन सी पत्नी थी? तो दूसरी पत्नी थी, सेकेंड वाइफ। 36 का सी हो जाएगा राइट आंसर। 37, मदर स्टोन वाज डेविड्स, मदर स्टोन डेविड का कौन था, मतलब हु इज डेविड्स वाज फादर्स डेविड्स, तो इसका स्टेप फादर था। 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सौतेला बाप था। 38, मिस लेन मदर स्टोन वाज डैश ऑफ डेविड्स स्टेप फादर, तो मिस लेन मदर स्टोन जो था उसके सौतेला बाप की बहन थी, यानी उसकी सिस्टर थी। 38 का बी हो जाएगा राइट आंसर। 39, वेन मिकाबर वाज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, ही मिकाबर को जब जेल से निकला तो बिकेम द क्लर्क ऑफ उड़िया हिप, किसका क्लर्क बन गया? उड़िया हिप का क्लर्क बन गया था। तो राइट आंसर बी हो जाएगा 39 का। लास्ट क्वेश्चन 40, हु इज द विलन ऑफ दिस नोवेल, और इस पूरे उपन्यास का विलन मां कौन है? तो विलन मारे उड़िया हिप है। तो इसका आंसर मैं अभी स्क्रीन पर दे देता हूँ।
तो इसका दोस्तों यहाँ पे आंसर है 1 से 40 तक का, 1 to 40, एंड ABC जो जो है इसका सारा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और मिला सकते हैं, और इसका PDF चाहिए तो आपको नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं PDF हो जैसे भी। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में आ सकते हैं, उस पर मेरा चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, सेम होगा, ज्वाइन ग्रुप करके अब उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, उस पर टेलीग्राम मैं दे दूंगा। ठीक है, ओके, वीडियो धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो करना है करते रहें, और अपने दोस्तों को भी दिखाएं वीडियो, ताकि यह वीडियो इंपॉर्टेंट हो सके और बच्चों से का कुछ भला हो सके। ओके, जय हिंद।